सेंटर में मुनक्दा आल ब्रीड डॉग शो में शहरियों की बड़ी तादाद अपने नायाब कुत्तों को खूबसूरती से सजाए मौजूद थी। मुकाबले के दौरान इन कुत्तों की खूबसूरती, फिटनेस लेवल, ब्रीड क्वालिटी और वाक एक्यूरेसी को खास तौर पर जांचा गया। नाज नखरे से अटखेलियां करते हुए डॉग्स की वाक ने एक्सपो सेंटर में मेले जैसा समा पैदा कर दिया। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों की डॉग शो में गहरी दिलचस्पी आखिर तक बरकरार रही। शहरियों का कहना था कि डॉग शो के इनेकास से वो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा डॉग शो किया हुआ इन्होंने यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग वेदर है, बहुत मजे के डॉग्स आए हुए यहाँ पे। मैंने अपने दो डॉग्स शो कराए हैं अभी तक, तो वो जीते हैं, होपफुली आगे भी जीते रहेंगे। सर्दी तो काफी है और डॉग ब्रीड्स बहुत अच्छी आई हुई है यहाँ पर। बहुत मजा आ रहा है, ठंड तो है लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत से मुख्तलिफ किस्म के डॉग्स हैं। बच्चों को बहुत शौक था, बच्चे आए हैं उन्हें दिखाने के लिए लेके आए हैं। जर्मन शेफर्ड, इंग्लिश बुलडॉग, बीगल, रॉटवाइलर, चुवावा, शीट्सो, अमेरिकन स्टीफर्ड, फ्रेंच मास्टिफ, सेंट्रल एशियन स्टीफर्ड, सेंट बर्नेड, बुल मास्टिफ, बेरी डॉग, शेरो समेत दीगर इकसाम के कुत्ते हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। जजेस के फ्राइज सर अंजाम देने वाले सैयद तस्वीर हुसैन का कहना था कि नायाब इकसाम के डॉग्स के हर तरह के मियार को मद्देनजर रखते हुए जीतने वाले डॉग्स को शील्ड्स और इनामात दिए जाते हैं। कॉन्फर्मेशन देखते हैं और उसको फिर आप ट्रॉट कराते हैं या वॉक कराते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रीड, और ये देखते हैं कि उसकी मूवमेंट जो है वो कैसी है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। शहरियों ने कहा कि ऐसे शोज का तसलसल से इनेकाद होना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अपने पालतू कुत्तों और दीगर नायाब इकसाम के डॉग्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। ब्रीड डॉग शो जैसे इवेंट्स का तसलसल से इनेकाद इस बात की कवी दलील है कि शहरी इंतहा पसंदाना रवैयों पर यकीन रखने की बजाय मुस्बत सरगर्मियों की जानिब ज़्यादा मायल हैं, जो बेहतर माशरे की तश्कील के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।